हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मंचूरियन। तो मैंने यहाँ ये छोटे छोटे स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, और इसके साथ बारीक चॉप किया हुआ एक बड़ा ऑनियन, एक शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई, और ये है पत्ता गोभी। इसको मैंने ग्रेटर कर लिया था। और इसके साथ हमें चाहिए ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमें ये ब्रेड स्लाइस को पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ के ले लेना है। ये सारे ऐसे ही कर लेने हैं। मैंने यहाँ अच्छी तरह से इनको भिगो के और निचोड़ के निकाल लिया था। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने सब्जियाँ काट रखी थी, ये मैंने ये सब्जियाँ डाल ली थी। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लगभग एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये मिक्स कर लिया था। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा लेके इसके बॉल बना लेंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। मैंने ये सारी बॉल बना ली थी। और ये ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम करके इन बॉल्स को इसमें डालेंगे। थोड़ी दूरी पर ही डालना क्योंकि ये चिपक जाती हैं। और लो फ्लेम पे ही इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको
चम्मच की सहायता से अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। चम्मच से ही करना गाइस, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है। गोल्डन कलर होने तक इनको फ्राई कर लेंगे, डार्क गोल्डन। मैंने यहाँ सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो ऐसे भी केचप के साथ खा सकते हैं और इसको 3 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाला मंचूरियन। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ हम एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। लगभग 2 टेबलस्पून। और अब हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। नमक कम ही डालिए क्योंकि सारी सॉस में भी होता है और हमने पहले भी डाला है नमक। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सब्जियां भी ली हैं। थोड़ी सी ये पत्ता गोभी मैंने काट ली थी, ये 1 शिमला मिर्च ऐसे चॉप कर लिया था, 1 मीडियम साइज अनियन, 1 इंच अदरक जो मैंने छोटा छोटा स्लाइस में काट लिया है, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियां जो मैंने काट ली हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसको गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें लहसुन, अनियन, तेल हमारा गर्म हो गया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और प्याज हम इसमें डालेंगे। ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी। अब हम इसमें डालेंगे ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का पिंक कलर होने तक पकाएंगे। ये हल्का सा लाइट पिंक हो गया। अब हम इसमें वो जो सॉस हमने तैयार की थी वो डालेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा पानी और डाल देना। थोड़ी थिक लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मंचूरियन बॉल्स डालने के बाद भी थोड़ा
ठीक हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। हमें 3 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉल्स। आप जितना खाना हो उतनी बॉल्स डालें और बाकी इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दें, जब खाना हो तब बना लें। हमारा वेज मंचूरियन विद ब्रेड तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये वेज मंचूरियन। अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। देखो कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।